तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यार हमारे पास है यहाँ पर ओरिजिनल 775 डीसी मोटर, आप देख लेते हैं यहाँ पर दोस्तों इसका टॉर्क काफी ज्यादा हाई होता है और 15,000 आरपीएम है। आप इसको 12 वोल्ट से बैटरी से लेकर आप लोग 36 वोल्ट की बैटरी तक लोगे तो काफी आसानी से ये चलेगा। 15,000 आरपीएम पे काफी ज्यादा हाई होता है गाइस। इसके साथ से आप लोग ड्रिल मशीन बना सकते हो या फिर एंगल ग्राइंडर बना सकते हो, बहुत ही गाइस अच्छे तरीके से काम करेगा, कोई भी चीज काट पाएगा या फिर किसी भी छेद कर सकते हो, क्योंकि इसके साथ गाइस हम 12 वोल्ट की पावर देने के बाद हाथ से पकड़कर नहीं रोक सकते इस तरह से नॉर्मली, क्योंकि इसका टॉर्क काफी ज्यादा हाई है। इसलिए तो आज के इस वीडियो में हम इसके साथ से पावरफुल वाटर पंप बनाकर दिखाने वाला हूं। दोस्तों आप लोग इस वाले वाटर पंप के साथ से बाइक धोने के लिए बाइक वॉशर बना सकते हो या फिर दोस्तों आप लोग कुएं से पानी निकालने के लिए इस वाले वाटर पंप का यूज कर सकते हो 12 वोल्ट पे। और इसी के साथ दोस्तों आप लोग इसके साथ से कूलर के अंदर भी इसको लगा सकते हो, बहुत ही हाई स्पीड होता है इसका जो है प्रेशर, वाटर का प्रेशर होगा, तो काफी सारी जगह पर इसका यूज कर सकते हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, सोलर पैनल ऑन दिस। तो दोस्तों इस वाले वाटर पंप को बनाने के लिए मेरे पास है यहाँ पर दो तरह के डीसी मोटर है दोस्तों। ये है 775 डीसी मोटर जो कि लोकल है और इसका साइज भी काफ़ी छोटा है, तो इसका उतना टॉर्क नहीं होता, ना ही उतना स्पीड होता है, क्योंकि इसका आरपीएम जो है वो 7,000 आरपीएम होता है, जबकि इस वाले हैवी डीसी मोटर का आरपीएम जो है 15,000 आरपीएम है, तो इसलिए इसका प्रेशर भी काफ़ी हाई होने वाला और इसी के साथ दोस्तों इसका टॉर्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसका शॉट भी काफ़ी मोटा है, आप देखें तो यहाँ पर कुछ इस तरह से। तो आप लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो और मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। ये मोटर गर्म भी नहीं होगा, इसके अंदर यहाँ पर कूलिंग फैन लगा हुआ है जिसकी वजह से हमारा मोटर ठंडा होता रहेगा और ख़राब नहीं होगा जल्दी, इसलिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली। और वैसे भी वाटर पंप काफ़ी हैवी बनाना है तो इसलिए इस मोटर का यूज़ करना ताकि ज़्यादा लोड ले सके और ज़्यादा पानी को निकाल सके, इसीलिए बेसिकली। तो इसको बनाने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर 2.5 इंची का पाइप ले रहा हूँ, पीवीसी पाइप, आप देखें तो यहाँ पर, आप लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसको लेंगे दोस्तों और यहाँ पर हम इसको 3 सेंटीमीटर यहाँ पर इसका एक पट्टी कट कर लेंगे यहाँ से, तो कुछ इस तरह से जहाँ पर 3 सेंटीमीटर है दोस्तों यहाँ पर हमें पट्टी करके मार्किंग कर लेना है इतना पर। अब दोस्तों इसी के हिसाब से हमें इस पर मार्किंग कर लेना है, मार्किंग कर लेंगे तो इसको कटिंग करने में काफी आसानी होगा, वरना कटिंग आगे पीछे हो जाता है तो गड़बड़ हो जाता थोड़ा। तो इस तरह से दोस्तों मैंने इस पर मार्किंग कर लिया, काफ़ी अच्छे तरीके से मार्किंग हो गया है। अब हमें इसको कटिंग करना है, तो मैं यहाँ पर कटिंग करने के लिए इसको एक्स्ट्रा ब्लेड का यूज करूंगा ताकि इसी के साथ से आसानी से काटा जा सकता है इसको। तो दोस्तों हमने फाइनली इसका रिंग जो है यहाँ पर कटिंग कर लिया 3 सेंटीमीटर का, ये जो कि मैंने कटिंग करना था। मैंने वीडियो थोड़ा फास्ट कर दिया है ताकि आप लोगों का वीडियो लंबा ना हो, वरना देखने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, इसलिए ये 3 सेंटीमीटर का है। तो इसको दोस्तों हमें ले लेना है और एक पीवीसी का सीट भी ले लेना है इस तरह से। तो मैंने इस वाले पीवीसी पाइप को सीट बना लिया है कुछ इस तरह से, चौड़ा करके इसको गर्म कर लिया है और सीट बना दिया है। तो दोस्तों अब हमें इस पर मार्किंग कर लेना है, तो इस तरह से मुझे एक पीवीसी पाइप का सीट ले लेना है और अब दोस्तों हम इसके ऊपर रखेंगे कुछ इस तरह से इसको और इस पर मार्किंग कर लेते हैं, वो भी इसके बाहर बाहर से करना है। इस तरह से दोस्तों हमने इस पर मार्किंग कर लिया है यहाँ पर। अब इसका हमें सेंटर ऑफ पॉइंट निकाल लेना है, जितना होगा गाइस उसी हिसाब से हमें इसको बीचों बीच का पता लगा लेना है, बीचों बीच में इसके एक निशान मार देना है 2 मिलीमीटर इधर है और 3.2 मिलीमीटर तकरीबन उधर है, तो इसी हिसाब से मुझे अब इस तरफ भी लगा लेना है जितना होगा उस हिसाब से इस तरफ से। तो इस तरह से दोस्तों मैंने इसके अंदर मार्किंग कर लिया है, अब इसके अंदर हमें छेद कर लेना है। इस तरह से छेद कर लेना है दोस्तों और इसके छेद को थोड़ा सा बड़ा करते जाना है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने इसके अंदर छेद कर लिया है इसके अंदर। तो दोस्तों फाइनली हमने इसके अंदर छेद कर दिया है पीवीसी पाइप के अंदर, आप देखते हैं यहाँ पर। अब मैं इसके कटिंग कर लेना है इसके चारों तरफ से,
जिस हिसाब से मार्क किया गया है उसी हिसाब से कटिंग कर लेना है इसको। तो दोस्तों हमने फाइनली यहाँ पर इसको कटिंग कर दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से। अब इसके अंदर हमें फिक्स कर देना है इसको, कुछ इस तरह से फिक्स कर देंगे। और दूसरा इसके अंदर जो पंखे लगा होता है इसको हमें बनाना है और इसको कटिंग करना है। तो इसको कटिंग करने के लिए मैं यहाँ पर एक पीवीसी पाइप और ले रहा हूँ सिंपली यहाँ पर। तो इस बार यहाँ पर रखने के बाद इस पर हमें मार्किंग कर लेना है, इसके अंदर ही घूमेगा तो इसीलिए हमें इसके अंदर से ही लेना है। तो इस तरह से हमने इस पर मार्किंग कर लिया। अब इसको भी कटिंग कर लेते हैं दोस्तों, इसके भी सेंटर ऑफ पॉइंट का पता लगा लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पर इस बार पता चलता है, यहाँ पर। तो इस तरह से दोस्तों हमने इसको कटिंग कर लिया है। अब इसका हम अच्छे से घिसिंग कर लेते हैं, यानी कि घिस कर साफ कर लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमने इसको भी मार्किंग कर लिया है। अब इसके अंदर छेद कर देते हैं, तो इसके बीचों बीच सेंटर ऑफ पॉइंट भी छेद कर लेते हैं। इस तरह से इसको मैं कटिंग करना है। दोस्तों अब हमें इसका पंखी को बना लेना है, जो कि पानी उठाने वाला यही काम करेगा। इसके लिए दोस्तों यह है 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा है और इसकी लंबाई इसके हिसाब से जितना हमारा पंखे का बीचों बीच सेंटर ऑफ पॉइंट आता है उतना हिसाब से है इसका। तो इसको चलिए फटाफट से हम चिपका लेते हैं और इसको बनाते हैं।
तरह से इसको हमने लगा दिया है, चिपका दिया और सूखने का वेट करते हैं। ओके, उसके बाद दोस्तों ये काफ़ी अच्छे तरीके से पानी को उठाने का काम करेगा, ये बन जाएगा एक बार बनने के बाद। तो इसको सूखने का वेट करते हैं दोस्तों, हमें इसका एक साइज और सेट कर लेना है ताकि हमारा जो मोटर है इसका यहाँ पर ये वाला सीट बैठ जाए आसानी से इसके ऊपर पानी उठाने के लिए इस तरह से। तो फाइनली हमारा बन चुका है, बस इसको आपस में चिपका देना सारी चीज़ों को। तो चिपका लेते हैं इसको फटाफट से, इसको कुछ इस तरह चिपका लेना है यहाँ पर सुपर ग्लू लगाने के बाद। तो इस तरह से दोस्तों मैंने इसको अच्छे तरीके से लॉक कर देना है चिपकाने के बाद, ताकि ये वाटर प्रूफ है, पानी इधर उधर लीक ना हो पाए, इतना इसके अंदर वाटर प्रूफिंग वाला काम करना है। थोड़ा छेद बड़ा करना पड़ेगा, तो इसको छेद को बड़ा करेंगे, लेकिन इससे पहले दोस्तों यहाँ पर हमें इसको छेद करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब हमें इस वाले पाइप मार्किंग करने के बाद इसको लगा देना है और इसको कटिंग करना है, पहले इसको मार्किंग कर लेते हैं। इस तरह से दोस्तों इतना ज़्यादा हमें कटिंग करना है इसके भाग को। तो इस बार हम सोल्डर आयरन से इसको सेट कर लेते हैं, इसके अंदर काटना काफ़ी आसान होगा इससे। तो दोस्तों अब हमें इसको चिपका देना है काफ़ी अच्छे तरीके से, इस तरह से इसको चिपका देना है इसके अंदर सुपर ग्लू को लगाने के बाद। कुछ इस तरह से इस तरह से दोस्तों मैंने इसको चिपका दिया काफ़ी अच्छे तरीके से, चिपक चुका है इस तरह से। तो अब हमें इसको सूखने का वेट करना है। तब तक दोस्तों हमें इस वाले इसके साइज को, दूसरे साइज को इस तरह से इसको कटिंग कर लेना है, इसको बनाने लेना है काट कर इसके साइज को। तो इसको भी इसी तरह से चिपका लेना है, बिल्कुल सेम इसी तरह से। तो दोस्तों इसके बाहरी ढक्कन को हमें इस तरह से चिपका लेना है इसको अच्छे तरीके से सुपर ग्लू के साथ ऐसे ही। कुछ इस तरह से इसके सेंटर ऑफ पॉइंट में यानी बीचों बीच में। इसके भी सूखने का वेट करते हैं, उसके बाद इसको उठाकर इसके ऊपर चिपका देंगे। कुछ इस तरह से चिपक जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से। तो अब हमें इसके अंदर मोटर को लगा देना है, काफ़ी अच्छे तरीके से मजबूती के साथ चिपक गया है। तो सिंपली हमारा जो ये हैवी मोटर है 705 डीसी मोटर का, इसको चिपका लेना है इस तरह से इसके अंदर डालने के बाद कुछ इस तरह से इसके अंदर हमने मोटर को डाल दिया दोस्तों। अब इसके पंखे को भी इसके अंदर डाल देते हैं। तो दोस्तों हमारा मोटर कुछ इस तरह से इसके अंदर पंखे को फिट कर दिया, बिल्कुल परफेक्टली तरीके से आप देख सकते हैं बैठ चुका है अच्छे तरीके से। यहाँ पर इस तरह से पानी को उठाएगा, इसके अंदर डालता रहेगा और इस तरह से पानी निकलता रहेगा, यानी कि खींचेगा काफ़ी तेजी के साथ ये पानी को उठाएगा। और इसका शॉट भी काफ़ी मजबूती के साथ फिक्स हो गया, तो इसमें टूटने का कोई डर बिल्कुल भी नहीं है अब। तो अब हमें दोस्तों इसके पीछे की साइड जो यहाँ पर है इसको भी लॉक कर देना अच्छे तरीके से चिपका कर सुपर ग्लू को। तो अब हमें इसको इसके अंदर डाल के यहाँ पर फिक्स कर देना अच्छे तरीके से, चिपका देना है। इस तरह से दोस्तों मैं इसको चिपका देना है काफ़ी अच्छे तरीके से सुपर ग्लू को लगाने के बाद।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइनली हमने इसके वाटर पंप को बना दिया है, यानी कि गाइस ये टुल्लू पंप बन चुका है। तो मैं टुल्लू पंप इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका जो साफ है ये काफ़ी ज़्यादा पानी फेंकने वाला है। अब नॉर्मल जो वाटर पंप होता है उससे 10 गुना ज़्यादा पानी फेंकेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरे पास है नॉर्मल सा वाटर पंप जो कि मैंने बनाया था ऑनलाइन, ये 80 रुपये का मुझे मिला था, लेकिन ये बहुत कम पानी उठाता है गाइस और इसका प्रेशर भी बहुत लो रहता है। ये 12 वोल्ट पे भी चल जाता है 3.7 वोल्ट से। लेकिन दोस्तों अगर आप इसको 12 वोल्ट का पावर दोगे अगर 7.2 एम्पीयर से ज़्यादा तो गाइस ये बहुत अच्छे तरीके से पानी फेंकेगा, बहुत ज़्यादा पानी फेंकेगा। मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो पूरा देखना है। सिंपली इसका कनेक्शन कर लेते हैं यहाँ पर, बाकी इसके अंदर सारा काम हो गया, फिनिशिंग भी इसके अंदर कर दिया है। आप लोगों को इसका लुक कैसा लग रहा है आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके। तो इससे मैं इसके वायर को जोड़ लेता हूँ आपस में। तो अब हमें इसके वायर को जोड़ लेना है। इस तरह से कुछ इस तरह से दोस्तों हमने इसके वायर को जोड़ लिया, इतना गाइस करना था। अब चाहो तो आप लोग अच्छे से सोल्डर कर सकते हो, लेकिन मैं सोल्डर नहीं कर रहा हूँ गाइस क्योंकि मुझे बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाने रहते हैं, इसलिए मैं नॉर्मल वायर जोड़ कर चला कर दिखा देता हूँ। बाद में आप लोग अपने हिसाब से बना लेना अगर आप लोग बहुत ज़्यादा मजबूती चाहते हो तो, वरना इसके अंदर काफ़ी मजबूती है, इतना भी काम चल जाएगा क्योंकि इसका सॉफ्ट काफ़ी मोटा होता है और काफ़ी अच्छे तरीके से इसके वायर को मैंने जोड़ दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरह से। तो अब मैं दोस्तों इस पर कुछ इस तरह से लगा कर इसको चिपका देना है अच्छे तरीके से। तो मेरे पास यहाँ पर एक लकड़ी का कार्डबोर्ड अगर सकते हैं लकड़ी है, तो सिंपली इसको यहाँ पर रख के चिपका देंगे इसको। इस तरह से दोस्तों हमारा फाइनली वाटर पंप बनके तैयार हो चुका है। आप लोग चाहो तो यहाँ पर स्विच लगा सकते हो इसको ऑन ऑफ करने के लिए, लेकिन मैं इसको डायरेक्टली 12 वोल्ट से देने वाला हूँ तो स्विच लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वरना आप लोग लगा सकते हो अगर आपको जरूरत है इसकी तो, वरना ना भी लगाओ तो भी काम चल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा फाइनली वाटर पंप बनके तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसका टेस्ट करके दिखाता हूँ। मेरे पास यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी, मैं इससे पावर दूंगा। आप लोग इससे बड़ा बैटरी यूज़ कर सकते हो ज़्यादा पावर के लिए, क्योंकि गाइस ये 36 वोल्ट पर आराम से चल जाएगा, कोई ख़राब नहीं होने वाला है, तो इसलिए इसका खराब होने का चिंता भी नहीं। और यह 100% वाटर प्रूफ है गाइस, आप इसको पानी के अंदर भी रख के चला सकते हो, इसका मोटर चलता रहेगा, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इसका टॉर्क है, इसलिए चल जाएगा पानी के अंदर भी। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर गाइस, वैसे नॉर्मली चला कर दिखाता हूँ, इसके अंदर हवा काफ़ी तेज़ दे रहा है, यानी कि इससे वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ पेपर के टुकड़े हैं, मैं यहाँ पर रखता हूँ, उसके बाद चलाता हूँ, देखना ये पेपर के टुकड़े इसकी हवा की प्रेशर की वजह से ये उड़ने लगेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ टेस्ट करके। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है और अब देखना आप लोग। आप देखें तो गाइस काफ़ी ज़्यादा इसका प्रेशर है, तो इस तरह से दोस्तों इसका प्रेशर काफ़ी हाई है और गाइस ये पानी काफ़ी दूरी तक फेंकेगा और काफ़ी तेज के साथ ये पानी उठाएगा। तो चलिए अब इसका टेस्ट करते हैं वाटर, यानी पानी में लगाने के बाद टेस्ट करते हैं, देखते हैं कितना पानी ये दे पाता है। तो दोस्तों अब मैं इस वाले वाटर पंप का आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि गाइस ये कितना ज़्यादा पानी उठा पाता है या फिर नहीं उठा पाता है। तो यहाँ पर मेरे पास है एक बाल्टी में पानी और इसका मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ यहाँ पर। हाँ तो गाइस अब मैं आपको इसका टेस्ट करके दिखाता हूँ, इसको पानी के अंदर डाल दिया है, डाल दिया। हाँ चल डाल। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पानी फेंक रहा है, मतलब काम कर रहा है ये जुगाड़ इस तरह से, पानी को तो फेंक रहा है, लेकिन गाइस इतना प्रेशर नहीं है क्योंकि हमारा बैटरी जो है ये यार 12 वोल्ट का है और इसका जो ये मोटर है ये 12 वोल्ट से लेकर 36 वोल्ट पे हाई स्पीड पे चलता है, तो इसका हाई स्पीड नहीं दे पा रहा हूँ, शायद साथ साथ बैटरी भी ख़राब है, तो इसलिए इतना ज़्यादा वोल्टेज नहीं दे पा रहे हैं जितना इसको चाहिए। इसका कब्जा निकाल के फिर मोटर आधा लगा डाल, मोटर आधा मोटर ना डालो, मोटर ना डालो, वो हो पानी फेंक।